चोरी घटना का अनावरण किया गया सर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, दीपावली की रात नवंबर 4-5 का बीच में, बीच वाला रात में, सूरजपुर कस्बे में एक मल्टी ब्रांड दुकान का मोबाइल दुकान से काफी संख्या में मोबाइल चोरी हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कराकर 4-5 टीमों को तुरंत रवानगी की अनावरण करने के लिए। ये हम लोगों का सीसीटीवी बाकी टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चला है कि ये 5 लोग ये चोरी में शामिल थे। ये लोग हरियाणा स्टेट नू और पलवल का रहने वाले हैं। इन लोगों का कब्जे से 177 मोबाइल बरामद की गई। ये मल्टी ब्रांड से, उसके अलावा ये चोरी में यूज हुआ था एक I-20 गाड़ी, एक तमंचा और DVR UPS और सीसीटीवी DVB। सर, कितने लगभग मोबाइल जो शॉप से चोरी हुए थे, कितने मोबाइल चोरी हुए थे और कितनी नकदी चोरी हुई थी? जैसा पहले दिन वो मालिक के द्वारा पता चलाया थी, 608 मोबाइल थे, लेकिन बाद में उनका अकाउंट्स रजिस्टर वगैरह चेकिंग के द्वारा पता चला इट इज ओनली 364 मोबाइल थे। कैश को लेकर के भी थोड़ा डिस्प्यूट रहा, पहले कितना था और कितना है? कैश भी पहले उन्होंने सही से गिनती नहीं किए थे, वो उन्होंने 6 लाख लगभग बताया, लेकिन बाद में पता चला ये 6,000 मोबाइल पैसा थे। सत्ते की चोरी थी, कितनी रिकवरी हुई है? इन लोग इस दौरान कोई मोबाइल बेच पाए थे? इनकी रिकवरी मतलब ये खुलासा कैसे होता है, कैसे आप लोग वहां तक पहुंचे? इसमें चोरी करने के बाद इन लोगों ने बहुत चैनल के एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा दे दिया है। इसमें अभी तक क्लियर नहीं है लोग किसके पास मोबाइल है, बेच दिया नहीं बेच दिया, ये हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के इसमें से 308 में से मोबाइल बरामद दिखा है, तो बाकी रेस्ट मोबाइल्स कहाँ पर है? यही है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बरामद की करने के लिए। जैसे कि इन्होंने जानकारी गलत दी कैश थी और मोबाइल की, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, इन्होंने गलत सूचना नहीं दिए थे, इन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड चेक नहीं किए थे, बाद में उन्होंने चेक करके बताया इतना मोबाइल है। पकड़े गए आरोपियों का कैसे इंधन इतिहास है, इनमें बताया जा रहा है एक रिवॉर्डी भी है। इसमें एक हकमुद्दीन है, ये मथुरा जिले से एक ट्रक लूट में वांछित है, ये 10,000 का रिवॉर्डी भी है। अभी जब पुलिस टीम ने ये पूरा वर्कआउट किया है, उसको भी कोई नाम देने की घोषणा की गई है? इसमें थाना सूरजपुर का टीम, उसके अलावा क्राइम ब्रांच का टीम इसमें काम किए थे। इन लोगों का CP साहब का आदेश पर 25,000 इनाम दिया जा रहा है। इनमें से मुख्य आरोपी का भी कोई पता लगी है? मुख्य आरोपी का फरार भी है क्या अभी कोई? इसमें दो लोग इसमें फरार हैं। मास्टरमाइंड कौन है इनमें? इसमें मास्टरमाइंड इरफान है, हरीक और हमीद है, ये भी वांछित है। इन लोग पढ़ते हो कोई से तुम में से?